सलाम। वालेकुम सलाम। इमरान भाई, आपसे बात हुई थी थोड़ी देर पहले फ़ोन पर। जी आइए, तशरीफ ले आए। जी फरमाइए, क्या खिदमत कर सकते हैं हम आपकी? भाई, हमें पहले अशरे में 10 मजालिस करवानी है, उसके लिए फिक्री आलिम या जाकिर चाहिए। क्या बजट है आपका? बजट वो क्या है कि हमारे पास 25,000 से लेकर 25 लाख तक के खतीब नुहा ख्वान मिल जाएंगे। आप अपना बजट हमें बता दें। अच्छा, ये रेट किस हिसाब से बढ़ता है? मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी मैटर करती है या मार्केट डिमांड? अब वो पहले जैसा सिस्टम तो रहा नहीं कि लोग हर खतीब से डील कर लेते थे। अब खतीब 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हमसे करते हैं, एक फिक्स रेट पे, और हम चाहे जितने भी मजलिस उनसे पढ़वा लें। हम एजेंट लोग आगे डील करते हैं अवाम से। रेट फर्क पड़ता है जनाब, कितना शोला बयान चाहिए और कितना मजलिस को उठाना है और कितना रुलाते कितना उछालते, यही फीचर है ना आपके प्रोडक्ट का? यानी सादे लफ्जों में एक मुनज्जम प्रोफेशनल तिजारत, खून है हुसैन की। सही कह रहा हूं ना मैं? क्यों, यही कहेंगे ना इसे? भाई आप लोग हिदायत देने आए हो या खतीब लेने आए हो? इमरान भाई, हमारे पास 25 के 10 का भी बजट नहीं है। हो भी तो भी नहीं देंगे, हमें आजादारी को बरपा करना है। रज़्म हुसैनी, मुबारिज़ हुसैनी, क़याम हुसैनी को बरपा करना है, जो पेशावर कभी नहीं कर सकता है। करबला वही बरपा कर सकता है मिंबर से जिसके दिल में वही गम हो जो हुसैन इब्न अली के दिल में था। लाशूर बेइस कौम को बेदार करने का दर्द जो सिर्फ करबला सिखाती है। इतनी बातें करते हो, 2 टुक लड़के हो तो खुद ही पढ़ लो ना मजलिस। ठीक है, पेशावरों को पढ़वाने से तो बेहतर है कि हम खुद ही मजलिस पढ़ लें। हाँ, आप जैसे पेशावरों की वजह से मजलिसे आजादारी तो नहीं रोकेंगे ना, लेकिन इसकी इसलाह जरूर करेंगे। और सही कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम मेंबर खुद ही संभाल लेंगे।